पाली के सुमेरपुर कस्बे के गांव कोसेलाव जरूरतमंद परिवारों के लिए सेवा समिति की ओर से 28 मार्च को रसोई शुरू की गई थी, जहां सुबह शाम भोजन की व्यवस्था की जा रही है। सेवा समिति की इस पहल को प्रवासियों का योगदान भी मिल रहा है। वहीं गांव के अलावा बाबा गांव, दोलपुरा, खिमाड़ा, बसंत गांव में भी निःशुल्क टिफिन दिए जा रहे हैं। सेवा समिति के संचालक ने बताया कि लॉकडाउन 3 मई को खत्म होगा, तब तक रसोई चलाएंगे। मुझे लगा कि इन गरीबों का क्या होगा, एकदम बंद है और हर तरह से वो बिल्कुल विचलित हो गए। तो ये प्रेरणा मैंने मेरे युवा कार्यकर्ताओं को, भरत को, सबको बुलाया, युवा कार्यकर्ताओं की हमने 100 लोगों की मीटिंग की। सब ने कहा कि भाई साहब, आप जो करते हैं वो हमें मंजूर है, हम सब आपके साथ हैं। तो हमने 28 मार्च को ये भोजन शाला शुरू की और ये बजट बनते ही हमारा जो काम शुरू हुआ, पहले दिन ही हमारे पास 300-400 लोग आए, 400 सुबह आए ना, 400 शाम को आए। उसके बाद दूसरे दिन पता लगा तो 400 से सीधा 800 हो गए। उसके बाद में एक हफ्ते के बाद रफ्तार ये पकड़ी कि 1200-1300 एक टाइम के लोग हुए, 250 से 350 टिफिन जाते हैं। कितने लोगों को खाना लेना दियो? 10। कहाँ रहते हो? बागरी के पीछे। सुबह शाम मिलता है? एक सुबह शाम। कितने आपके परिवार में? 10। बराबर खाना मिलता? हाँ। कितने दिनों से मिल रहा है ये? एक महीना हो गया। कौन दे रहे हैं आपको ये खाना?